स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है, 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। वहीं अब आंकड़े भी सामने आ चुके हैं कि 3 बजे तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी, तो वहीं 3 बजे तक 46.60% मतदान संपन्न हो चुका है। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र सभी के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वाराणसी में 43.73% मतदान हुआ है 3 बजे तक। आजमगढ़ में 45.28% मतदान हुआ। मऊ में 46% मतदान हुआ है 3 बजे तक। गाजीपुर 46.28% मतदान हुआ। चंदौली में 50.79% मतदान हुआ। भदोई 47.49% मतदान हुआ। मिर्जापुर 44.66% मतदान हुआ। सोनभद्र 47.18% मतदान हुआ। सोनभद्र 49.84% मतदान हुआ है। 9 जिलों की 54 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 613 उम्मीदवार आज मैदान में है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, सोनभद्र ये वो जिले हैं जहां पे आज भी कई बड़े चेहरों का दबदबा रहा है और कई पीढ़ियों से दबदबा रहा है। उन चेहरों की आज साख दांव पर है। क्या जनता परिवर्तन करेगी इस चुनाव में या फिर सत्ता को दोहराएगी, एक बड़ा सवाल है। और आज कई बड़े चेहरों की किस्मत, कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी और शाम में यह फैसला आएगा कि जनता ने कितना उत्साह दिखाया है, कितने उत्साह के साथ लोकतंत्र का पर्व मनाया, कितने प्रतिशत मतदान किया है। 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 46.40% मतदान हुआ है 3 बजे तक। 7वें चरण का अंतिम निर्णायक चरण का मतदान है आज। अगर बात करें पिछले चुनाव की तो 36 सीटें बीजेपी और गठबंधन को मिली थी, एसपी को 11, बीएसपी को 6 सीटें मिली थी इन 7वें चरण में, इन 9 जिलों में। वहीं कांग्रेस को 1 भी सीट हाथ नहीं लगी थी, वहीं निर्दलीय 1 सीट पाने में कामयाब रहे थे। सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके। 3 बजे तक के 46.60% मतदान हुआ है। इस बार मतदान कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा है, 50% के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाया है। 3 बजे तक बहुत ही सुस्त नजर आ रही है मतदान की प्रक्रिया। वहीं बड़े चेहरों की बात करें तो कई बड़े चेहरे जैसे सुरेंद्र पटेल सेवापुरी से सपा प्रत्याशी उतारे गए हैं, डॉक्टर अवधेश सिंह पिंडरा विधानसभा से उतरे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं। 7वें चरण में राजेश पटेल पिंडरा से सपा गठबंधन के प्रत्याशी उतारे गए हैं, बाबूलाल पटेल पिंडरा से बसपा प्रत्याशी उतारे गए हैं, अजय राय पिंडरा से कांग्रेस प्रत्याशी उतारे गए हैं। तो तमाम बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार मौका मिला है। अलका राय मोहम्मदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतारी गई हैं, सुहैब अंसारी मोहम्मदाबाद से सपा प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं, कालीचरण राजभर जहूराबाद से भाजपा प्रत्याशी के रूप में साख बचाने के लिए उतरे हैं, ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं सपा गठबंधन। वहीं गिरीश चंद्र यादव जौनपुर से बीजेपी प्रत्याशी, मोहम्मद अशरद खान जौनपुर से सपा प्रत्याशी, रमेश सिंह शाहगंज से भाजपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, शैलेंद्र यादव शाहगंज से सपा गठबंधन में उतरे हैं, डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह मलहनी से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं, तो वहीं धनंजय सिंह मलहनी भी जेडीयू से उतारे गए हैं प्रत्याशी। डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह मलहनी से बीजेपी प्रत्याशी, लकी यादव मलहनी से सपा प्रत्याशी। कई बड़े चेहरों की साख आज दाव पे हैं। दिनेश चौधरी केराकत से बीजेपी प्रत्याशी, तो हम बड़े चेहरों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। तूफानी सरोज केराकत से सपा प्रत्याशी, कुल 613 उम्मीदवार आज मैदान में है। रविंद्रनाथ त्रिपाठी भदोही से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतारे गए हैं, जाहिद बेग भदोही से सपा प्रत्याशी उतारे गए हैं, विपुल दुबे ज्ञानपुर से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, विजय मिश्रा ज्ञानपुर से निर्दलीय उतरे हुए हैं, पीएनपी पार्टी से विपुल दुबे ज्ञानपुर से भाजपा गठबंधन प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, रामकिशोर बिंद ज्ञानपुर से एक बड़ा चेहरा है सपा प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, रमाशंकर सिंह पटेल मणिहान से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में, रविंद्र बहादुर सिंह पटेल मणिहान से सपा प्रत्याशी के रूप में, रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर से एक बड़ा चेहरा भाजपा के तौर पे उतारा गया है भाजपा की तरफ से, कैलाश चौरसिया मिर्जापुर से सपा प्रत्याशी के तौर पे उतारे गए हैं, विजय राजभर घोसी
बीजेपी प्रत्याशी उतारे गए हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से उतारे गए, जो कि पिछली बार भाजपा में थे, इस बार सपा का दामन थाम लिया है। अशोक सिंह मऊ से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। अब्बास अंसारी मऊ से सपा गठबंधन की तरफ से उतारे गए हैं। अखिलेश मिश्रा आजमगढ़ से भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। दुर्गा प्रसाद यादव आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी के रूप में उतारे गए। मनोज यादव निजामाबाद से भाजपा प्रत्याशी के रूप में एक बड़ा चेहरा। आलमबदी आजमी निजामाबाद से सपा से उतारे गए। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा दीदारगंज से भाजपा प्रत्याशी। कमला कांत राजभर दीदारगंज से सपा प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा दीदारगंज से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में। भूपेंद्र सिंह मुन्ना दीदारगंज से बसपा प्रत्याशी। रामसूरत राजभर फूलपुर पवई से भाजपा प्रत्याशी। 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। पूर्वांचल में मतदान है और जहां पे देखा जाए तो एक ऐसा समय था जहां पे अपराधियों का बोलबाला था, जहां पे तमंचे की नोक पे कोई भी काम करवा लिया जाता था। पूर्वांचल जहां पे आज भी दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा है। स्वर्ण की बहुतता भी बहुत है, लेकिन अगर बात करी जाए निषाद राजभर तो इनकी संख्या ज्यादा है। पूर्वांचल में चुनाव है और ऐसे आज जहां पूर्वांचल में चुनाव है तो वहां पे जो कैंडिडेट जो मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है उन्हीं के चेहरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों के चेहरे भी उतारे गए हैं। यानी कि ध्यान दिया गया है कि वोटरों को खींचने के लिए, लुभाने के लिए उन चेहरों को मौका दिया गया है जहाँ मतदाताओं की संख्या उस जाति वर्ग विशेष में ज्यादा देखने को मिली है। पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी और गठबंधन को 36 मिले थे, सपा को 11, बीजेपी बीएसपी को 6 सीटें मिली थी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ रहा था और अदर में एक सीट गई थी। तो इस बार ईवीएम में कैद होगा कई उम्मीदवारों की किस्मत। सातवां निर्णायक चरण है, 6 चरण बीत चुके हैं, 6 चरणों के मतदान हो गए हैं। पिछले चुनावों में अगर बात करी जाए तो सातवें चरण के मतदान प्रतिशत की बात करें तो 2012 और 2017 में 17 में सबसे अच्छे खासे प्रतिशत देखने को मिले थे। 2012 में 57.92% मतदान हुआ था, तो वहीं 2017 में 60.03% मतदान हुआ था सातवें चरण में। और अब हमारे साथ इसी खबर पे संवाददाता संतोष जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। संतोष, काफी धीमी मतदान की प्रक्रिया चल रही है, क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आ रही है? यहाँ पर जो है मतदान प्रक्रिया दोपहर होने के नाते, तेज धूप होने के नाते जो है मतदान में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी 4 बजे के बाद से आशाएं हैं कि जो है मतदान में तेजी आएगी। अभी अभी यहाँ नई बूथ संख्या 311 और 312 पर जो है एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो है एक बीएलओ को जो है यहाँ पर जो है काफी घसीट कर मारा पीटा और उसको धमकाया है। यहाँ पर एक नई जो है वारदात हो गई है, यहाँ पर चारों तरफ जो है अशांति मच गई है। बूथ संख्या 311 है, बाजीराव कटरा में जो है आदर्श विद्यालय है यहाँ पर, जहाँ पर महिला तैनात की बीएलओ जो है यहाँ पर पर्ची बांट रही थी, लोगों को मतदान करा रही थी, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ पर एक तरीके से आक्रमण कर दिया गया और बीएलओ को जो है काफी प्रताड़ित किया गया और उनको घसीट कर जो है बूथ से बाहर लाया गया है। सविता नाम सावित्री जी। जी संतोष, अगर बात करें मतदाताओं की तो इस वक्त मतदान केंद्र पे कितनी संख्या में मौजूद हैं? हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को दिखाएं पीछे की तस्वीरें कि कितनी संख्या में मौजूद है मतदाता। आप देख सकती हैं कि यहाँ चारों तरफ मतदाता हैं और यहाँ पे मतदान का कार्य अभी कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो गया था। यहाँ पर चूंकि बीएलओ के साथ हाथापाई और मारपीट हुई है और मौके पर रत्नाकर मिश्र जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, नगर विधायक भी हैं, वो भी मौके पर पहुंचे हैं और प्रशासनिक स्तर से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ कार्यकर्ताओं का समावेश है। आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे जो है काफी नाराजगी है चारों तरफ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से यहाँ पर बदतमीजी की है एक बीएलओ के साथ और उसको मारा है, पीटा है, उसको घसीट कर बूथ से बाहर निकाला है। चारों तरफ पुलिस खड़ी है और यहाँ पर जो है काफी संख्या में कार्यकर्ता लगे हैं। हमारे साथ विधायक जी भी, आप देखिए बगल में सामने खड़े हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि
कार्यवाही जो है हो सके। जी संतोष, अगर बात करी जाए मतदान के प्रभावित होने की, तो इस अभद्रता के साथ, बीएलओ के साथ जो अभद्रता हुई है, उसकी वजह से कितनी देर तक बाधित रही मतदान प्रक्रिया? लगभग 15 मिनट तक जो है मतदान बाधित रहा है। यहाँ पर आला अधिकारी भी आ गए हैं। लगभग जो है देख सकती हैं कि आप पीछे अधिकारियों की गाड़ी लगी है और प्रशासनिक स्तर पे यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मतदान 15 मिनट तक बाधित रहा है और उसके बाद किसी तरीके से जिला प्रशासन ने मतदान प्रक्रिया को प्रारंभ किया। जी अगर बात करी जाए बाकी के बूथों की, तो वहाँ पे क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया चल रही है? क्या वहाँ पे भी किसी समस्या का सामना करना पड़ा मतदाताओं को? मतदाताओं को सामना देखिए, जब लाइन में किसी प्रकार की कैजुअल्टी हो जाती है तो मतदाता सबसे पहले पीछे भागते हैं। यही कारण रहा कि मतदान बाधित रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर मझवा, मड़िहान और कछवा, तीन जगहों पे जो है ईवीएम मशीन खराब हुई, जिसके चलते मतदान कुछ देर के लिए बाधित रहा। और नगर विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 311 पर अभी जो है मतदान अभी अभी शुरू हुआ है, 15 मिनट तक बाधित रहा। जी संतोष, अगर बात करी जाए मुद्दों की, तो मुख्य मुद्दे कौन से देखने को मिल रहे हैं मिर्जापुर में? कौन से मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान बूथ पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए मुद्दा तो यहाँ बहुत सारी है। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बेरोजगारी का, जो आज तक किसी सरकार ने दूर नहीं किया है। यहाँ पर एक समय था कि कालीन का कार्य और मेटल उद्योग का कार्य चरम सीमा पर था, विश्व व्यापार था यहाँ पर, देश विदेश में यहाँ से लोग व्यापार करते थे। लेकिन पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस के गवर्नमेंट से ही यहाँ पर यह व्यापार शून्य पड़ा हुआ है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ के लोग जो शिक्षित रोजगार है, रोजगार युवक है, वो रोजगार होने के नाते अन्य शहरों में जाकर नौकरी करते हैं, अन्य प्रदेशों में जाकर नौकरी करते हैं। ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा यहाँ पर जो है पत्थर का काम है, यहाँ लाही चपड़ा का काम है, यहाँ पे जो है बर्तन उद्योग है, यहाँ पर चीनी मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, जो भारत क्षितिज पर नाम था लेकिन आज वो शून्य पड़ा हुआ है। बस इसी को लेकर युवाओं में जो है अच्छा खासा नाराजगी है और सरकार के प्रति अपने मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हर चुनावी अपडेट पे नजर बनाए रखिए और हमें अपडेट देते रहिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़े थे मिर्जापुर से। उन्होंने बताया कि कई मुद्दे हैं, हालांकि मतदान प्रभावित होने की बात भी सामने आई है और मतदान प्रभावित हुआ है मिर्जापुर में। मुद्दों की बात करी जाए तो बेरोजगारी और जिस तरह से स्थानीय काम पर असर पड़ा है, उसको देखते हुए भी काफी असर पड़ रहा है मतदान पर। और मतदान केंद्रों पे जिस तरह से बीएलओ के साथ बदसलूकी की गई है, एक बड़ा मुद्दा है और मतदान भी प्रभावित रहा। बेरोजगारी, सड़क, गंदा पानी, ये बड़े मुद्दे रहे हैं पूर्वांचल के। पलायन एक सबसे अहम मुद्दा, तो अहम मुद्दे हम आपको बता रहे हैं। पलायन है, बेरोजगारी है, सड़क है, गंदा पानी है, तो इन सब चीजों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। खराब स्वास्थ्य व्यवस्था जिसका सामना कोरोना काल में करना पड़ा, महंगाई जिसका सीधा असर और सीधी बात करते हुए नजर आती है पूर्वांचल की जनता, दूषित पानी जिससे सबसे ज्यादा नाराज है जनता, महिला सुरक्षा जिसका मुद्दा उठाया जाता है सभी के मैनिफेस्टो में, महिलाओं को तवज्जो दिया गया है, कई दावे वादे किए गए हैं, लेकिन क्या इसमें सुधार होता है? जिस तरह से मैनिफेस्टो में दावे वादे किए गए हैं उसको देखते हुए क्या इस बार जनता किसी दल को चुनती है? तो ये अहम मुद्दा है, ये अहम मुद्दे पूर्वांचल के हैं, जहां देखने को मिल रहा है कि आज मतदान हो रहा है, पूर्वांचल के मुद्दों की बात कर रहे हैं। पूर्वांचल के मुद्दों में गंदा पानी, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए अब मऊ से संवाददाता कमलेश कुमार जुड़ चुके हैं। कमलेश, मऊ से जो आंकड़े अभी तक 3 बजे तक के सामने आए हैं, जिस तरह से सुस्त चल रही है मतदान की प्रक्रिया, क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आ रही है? जी शिखा जी, आपको बता दें अभी तक 3 बजे तक 46.88% मतदान
हो चुका है और मतदान हमको लग रहा है कि शाम तक 50% का भी उम्मीद नहीं दिख रहा है कि यहाँ हो पाएगा। जी, अगर बात करी जाए मतदान केंद्रों की, तो वहां पे क्या शांति व्यवस्था बनी हुई है, शांति के साथ क्या मतदान किए जा रहे हैं, या फिर कोई अप्रिय घटना सुनने में आई हो? देखिए अभी बता दें कि अभी ऐसा कोई शिखा जी दिखा नहीं है, जो अभी मतदान पे पूरा शांति व्यवस्था से और मतदान किया जा रहा है और लोग कर रहे हैं। जी, और क्या वहीं कहीं से कोई ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई, या फिर पर्ची में नाम ना होना किसी मतदाता का? ऐसे में देखा जाए तो बहुत ऐसे विधानसभा में है जो उनके घर में, किसी घर में 10 वोट हैं तो उनके घर में 2 ही वोट आया है, बाकी 8 वोट का नाम कटा गया है, उनका आरोप यही है। सिर्फ हमारे यहाँ बीएलओ, सबसे बड़ी बीएलओ की लापरवाही मानी जाती है कि बीएलओ ने हमारे नाम कटवाए हुए हैं और बार बार बीएलओ पे आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ ने अच्छा काम नहीं किया हम लोग के साथ। जी कमलेश, अगर बात करी जाए मुद्दों की, तो कौन से मुख्य मुद्दे देखने को मिल रहे हैं मऊ में? मऊ में मैडम देखा जाए शिखा जी की विकास तो कल्पना राय की बात, तो मऊ में कोई विकास ही नहीं दिखा है। और 25 साल से मुख्तार अंसारी के अब बेटे अब्बास अंसारी लड़ रहे हैं, उन्होंने 25 साल से उन्होंने भी जीत के और एक ईंट नहीं रखा है। और अब अब्बास अंसारी भी उनका देखे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत काफी वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने भी कहा था कि हम अखिलेश भैया से मिल कर आए हैं और 6 महीना तक किसी के ना पोस्टिंग ना तो किसी के तबादला होने देंगे, तो इसी को लेकर और एक एक लोग से हिसाब लेंगे, इसी को लेकर काफी लोग नाराज भी है और प्रशासन भी बहुत सक्रिय है कि ऐसा। जी कमलेश, जिस तरह से अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का दबदबा देखने को मिलता है मऊ में, कुछ लोग डर की वजह से तो कुछ लोग उनका आदर करते हुए उन्हें हर बार चुनाव में जिता देते हैं, तो क्या लगता है इस बार भी वो इसी वजह से जीत के एक बार फिर से आएंगे? जिस तरह से हिसाब की बात कही गई है कि सत्ता में आने के बाद हिसाब करा जाएगा, तो क्या ऐसा लगता है इस बयान के बाद जनता फिर उन्हें जिताएगी, क्या डर की वजह से जिताएगी? देखिए रसिका जी आप बता दें, यहाँ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का यहाँ दबदबा बन चुका है, उसी के लेकर लोगों में बहुत काफी डर समा चुका है, लोगों बहुत काफी डर चुके हैं कि जो डर रहे हैं कि अगर ऐसा ना हो कि हम लोग को भी भुगतना पड़े, तो इसीलिए डर तो यहाँ आई एम विधानसभा सदर पे अब्बास अंसारी का, तो डर सबके अंदर समा ही गया है। जी, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा लगातार शक्ति प्रदर्शन किया गया, जनसभाएं करी गई, तो क्या इसका कोई असर पड़ता दिख रहा है? अभी फिलहाल हाल ही में 6 तारीख को मोहम्मदाबाद गोहाना में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि हम तो 4 सीटों पे जमानत जब्त करा देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि 10 मार्च को हम उल्टा लटवा के मरवा देंगे, उसी को लेकर अब्बास अंसारी ने भी कहा कि हम जो होगा देख लेंगे। जी, अगर बात करी जाए ईवीएम खराब होने की, तो क्या ऐसी कोई खबर? जी, अब तक कोई ईवीएम खराब नहीं मिला है और नहीं, और बहुत शांतिपूर्वक से मतदान लोग मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश, हर चुनावी अपडेट पर नजर रखिए और अपडेट देते रहिए। हमारे साथ मऊ से संवाददाता कमलेश कुमार जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से जिले में मतदान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से मऊ में अब्बास और मुख्तार अंसारी का दबदबा देखने को मिलता है, तो इसका भी सीधा असर पड़ेगा। विकास के मुद्दे तो हैं, जिस तरह से मऊ में अभी संवाददाता ने हमें बताया कि विकास के मुद्दे हैं और जिस तरह से कई तकलीफों का सामना कर रहे हैं लोग, रोजगार की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव कर रही है जनता। अलग अलग सीटों पे, अलग अलग जिलों पे अपने ही एक अलग मुद्दे होते हैं, और इस बार के अगर मुद्दों की बात करी जाए तो पूर्वांचल में चुनाव हो रहा है, और पूर्वांचल में अगर कुछ समस्याएं देखने को मिलती हैं तो महिला सुरक्षा, हालांकि पहले से कुछ बेहतर हुई है कानून व्यवस्था, जिसकी वजह से महिला सुरक्षा का मुद्दा भी तो उठ रहा है, लेकिन सड़क, गंदा पानी, बेरोजगारी, महंगाई, ये ऐसे मुद्दे हैं, पलायन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है, तो इन सब की ओर भी फोकस है और लगातार विपक्ष इसे मुद्दों को उठा रहा है। वहीं अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश करते हुए, अपने पुराने काम को गिनाते हुए मौजूदा वक्त की सरकार एक बार फिर से सरकार दोहराने की और जनता से वोट की अपील करती हुई भी नजर आई है। ताबड़तोड़ जनसभाएं, रैलियां, रोड शो किए गए और
जनता के मन में अपने कामों को दिखाने की, अपने सरकार में करे गए कामों को बताने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन इसके परे हट के अगर देखा जाए, मुद्दों की बात करी जाए, तो क्या जनता मुद्दों पर ध्यान देगी, क्या जनता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी इस पर्व में, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, 3 बजे तक के आंकड़े सामने आए हैं, 50% मतदान भी पूरा नहीं हुआ है आज 7वें चरण का, तो इनको देख के आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनता लापरवाही करती हुई नजर आ रही है। जनता इस चीज को नहीं समझ रही है कि उनके मत का कितना प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं पलायन भी मुख्य मुद्दा है, क्योंकि पूर्वांचल में पलायन बहुत ज्यादा होता है। रोजगार की तलाश में लोग बाकी जिलों में चले जाते हैं, बाकी राज्यों में चले जाते हैं, जिसका भी सीधा असर पड़ता है, क्योंकि गरीब तबके के लोग होते हैं वो अपने मत का प्रयोग करना इतना अहम नहीं समझते हैं कि जिसके लिए वो अपना काम छोड़ के अपने जिले में अपने घर वापस आए मतदान करने। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से मतदान पर सीधा असर पड़ता है। आंकड़े आपकी स्क्रीन पे है, चंदौली में, सोनभद्र, भदोई, मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, सभी जगह के आंकड़े सामने आ चुके हैं। 46.40% मतदान हुआ है 3 बजे तक। 3 बजे तक क्या ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर, सभी जगह के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। बेरोजगारी, जिसकी वजह से पलायन होता है, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था देखने को मिलती है, और पिछली सरकार के काम भी हमने देखे, वो चाहे सपा हो, बसपा हो, या फिर मौजूदा वक्त की सरकार हो, बीजेपी की, तीनों सरकारों का काम हम देख चुके हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं गायब नजर आ रही है। बीएसपी की बात करी जाए तो बीएसपी ने भी कुछ इतना अच्छा प्रभाव नहीं डाला, जिस तरह से गायब हो गई बीएसपी। तो ये माना जा रहा है कि सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में ये चुनाव रह गया है, सपा और भाजपा। सपा और भाजपा ने सबसे बड़ी जो रणनीति बनाई है गठबंधन की, क्योंकि पूर्वांचल में आज चुनाव है, और पूर्वांचल के मुद्दों को देखते हुए, और मुद्दों की अगर बात ना करें, क्योंकि ज्यादातर गरीब पिछड़ा दलित तबका पूर्वांचल में निवास करता है, सबसे ज्यादा वोटर पिछड़े वर्ग के हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, इनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी और सपा दोनों ने ही गठबंधन करके रखा है। और इसी बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा नेताओं की दबंगई आई सामने। बड़ी खबर सामने आ रही है मिर्जापुर से, इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेताओं की दबंगई आई सामने। बीएलओ सावित्री देवी को किया प्रताड़ित, प्रताड़ित करने का मामला बूथ संख्या 311 312 में सपा नेताओं की बदतमीजी देखने को मिली। बड़ी खबर सामने आ रही है, बीएलओ को सपाइयों ने घसीट कर बाहर निकाला। तस्वीरें देख सकते हैं आप, मौके पर पहुंची पुलिस, मूक दर्शक बनी रही। सपा नेताओं की दबंगई आई सामने, नगर विधायक रत्नाकर के साथ बदतमीजी। विधायक ने मामले में की कार्रवाई की मांग। सपाइयों की गुंडागर्दी पर एक्शन की मांग की जा रही। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, सपा नेताओं की दबंगई आई सामने। बीएलओ सावित्री देवी को किया प्रताड़ित। बूथ संख्या 311 312 पर सपा नेताओं ने की बदसलूकी। बीएलओ को सपाइयों ने घसीट कर बाहर निकाला। 311 312 बूथ संख्या का मामला। नगर विधायक रत्नाकर मिशन अधिकारी को दी सूचना। विधायक ने मामले की कार्रवाई की मांग की। बड़ी खबर सामने आ रही है, सपाइयों की गुंडागर्दी पर एक्शन की मांग। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। मेरे साथ यहां सब हमें मारने की और डीएम के यहां पेश करने की धमकी दे रहे हैं कि आप पर्ची नहीं बांटी है। कौन दे रहा? अब सपा वाले नेता थे, कौन कौन थे हमें नहीं पता, हम किसी को पहचानी नहीं हुई। अरे हमें एकदम चारों तरफ से
घेर लिए, मैं कहीं निकल नहीं पा रही थी। ये लगा कि अब हम मुझे यहीं मार डालेंगे। अब इनका हाथ पकड़ के घसीटते हुए ले आए, एकदम मैं लेकर आया, हाथ पकड़ के हम एकदम परेशान हो गए थे। कोई पीठासीन अधिकारी आया आपके पास? कोई अधिकारी बचाव के लिए आया आपके पास? हमें चक्कर आ गया। आ रही है जहां बीएलओ सावित्री देवी ने अपनी आपबीती बताई है। उन्होंने बताया किस तरह से प्रताड़ित किया गया दबंगों की, सपा नेताओं की दबंगई आए सामने। बीएलओ सावित्री देवी को किया गया प्रताड़ित, खींच कर निकाला बाहर। बूथ संख्या 311-12 में सपा नेताओं ने की बदतमीजी, बदतमीजी की खबर सामने आ रही है। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, पासपोर्ट के लिए की जा रही अवैध वसूली, बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध वसूली का मामला आया सामने, पुलिसकर्मी का वसूली करते हुए वीडियो वायरल, पासपोर्ट में जांच के नाम पर की अवैध वसूली। वायरल वीडियो से पुलिस महकमे में हड़कंप, हथगाम थाने का बताया जा रहा वीडियो। सातवें चरण का चुनावी रण, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी, गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान, मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने डाला वोट। नगौरा गांव में अपने मतदान का किया प्रयोग, सैदपुर विधानसभा के नगौरा गांव में किया मतदान। सातवें चरण का चुनाव रण जारी, यूपी में आखिरी चरण का मतदान जारी, गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान, डॉक्टर महेंद्र नाथ ने किया मतदान, नगौरा गांव में अपने मतदान का किया प्रयोग, सैदपुर विधानसभा के नगौरा गांव में किया मतदान। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को पकड़ा, पकड़े गए छात्रों के पास से 7 किलो चांदी बरामद, 60,000 रुपए भी पुलिस ने किया बरामद। लोग पुलिस को नहीं दे पाए पैसों का ब्यौरा। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को पकड़ा, पकड़े गए छात्रों के पास से 7 किलो चांदी बरामद, 60,000 रुपए भी पुलिस ने किया बरामद। लोग पुलिस को नहीं दे पाए पैसों का ब्यौरा। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, एसपी के निर्देश पर पुलिस ने की कार्रवाई, पुलिस ने कार सवार तीन लोगों को पकड़ा, पकड़े गए छात्रों के पास से 7 किलो चांदी बरामद, 60,000 रुपए भी पुलिस ने किए बरामद। लोग नहीं दे पाए पुलिस को पैसों का ब्यौरा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हर चुनावी अपडेट के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।